बच्चों आज हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटॉमिक के बारे में क्या थ्योरी दी थी आज पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो डाल्टन ने एटम के बारे में सबसे पहली जो बात बताई वो ये थी, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल के बने होते हैं जिनको हम एटम कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स कैसे होते हैं? इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं विच कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, साथ ही ना तो इनको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड बात, थर्ड पॉइंट क्या था? एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बाय मास एंड बाय केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम होते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट के, वो एक जैसे होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी और उनका मास भी सेम होता है। फोर्थ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो अलग तरह के एलिमेंट हैं उनके एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होंगी, अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होगी उनके एटम्स की। और नंबर फिफ्थ है, एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो केमिकल रिएक्शन में अपने होल नंबर में रिएक्ट करते हैं। ये नहीं है कि आधा एटम रिएक्ट कर रहा है या पॉन कर रहा है,
या 1.5 एटम रिएक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। वो अपने होल नंबर में ही किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं। और सेक्स थिंग है, छठी बात उन्होंने बताई, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स एटम्स आर कॉन्स्टेंट। In a given compound, किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनकी संख्या फिक्स होती है, और जो भी एटम उसमें कंबाइन हो रहा है वो भी फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल पर लें, CO2 ये क्या है, कंपाउंड है, इसमें नंबर ऑफ एटम फिक्स रहेंगे 3। कौन कौन से? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में उसके मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन का जो नंबर है एटम्स का वो 1:2 होगा, टोटल नंबर 3 होंगे और एक कार्बन का होगा 2 ऑक्सीजन के। ऐसे ही वाटर में लें तो वाटर में 3 एटम होंगे टोटल, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तभी वो वाटर बनेगा। क्लियर बच्चों? डेल्टन ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो इन्होंने सबसे पहले सिंबल्स दिए थे किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के। तो डेल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who used the symbols for element in a very specific sense। बहुत specific sense में उन्होंने symbol दिए किसी भी element के। अगर हम example दें, symbols of element given by Dalton, कौन कौन से सिंबल दिए? अब उन्होंने स्पेसिफिक सेंस में दिया, जैसे इस तरह का सिंबल बनाया उन्होंने, कहा ये है हाइड्रोजन, इस तरह का सिंबल बनाया, काला कर दिया इसको पूरा, तो ये हो गया कार्बन। ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर आयरन कॉपर लेड सिल्वर। तो इस तरह उन्होंने इनके सिंबल्स दिए। अब ये सिंबल प्रेजेंट टाइम में यूज होते नहीं हैं, पहले भी यूज नहीं हुए, क्योंकि इनको याद करना और इनके फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये लेटर ऑन रिफ्यूज़ कर दिए गए सभी वैज्ञानिक से, सभी साइंटिस्ट ने इनको रिफ्यूज़ कर दिया यूज करने से। फिर बाद में IUPAC आई, तो IUPAC ने फिर उन्हों
एटम्स के सिम और एलिमेंट्स के सिंबल दिए। IUPAC मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने एक संस्था का नाम है। तो इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सिंबल दिए। जैसे इन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोजन है, इसको एच से रिप्रेजेंट करिए, इसमें या तो फर्स्ट लेटर लीजिए, एक ले रहे हैं, दो ले रहे हैं तो दूसरा या तीसरा लीजिए। तो इस तरह उन्होंने एक लेटर, अगर उससे पहले नाम रखा जा चुका है तो दूसरे लेटर या दूसरी भाषा का कोई लेटर चुन लीजिए। तो इस तरह उन्होंने अलग अलग एलिमेंट के लिए लेटर चुनने को कहा, और जो बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी है याद करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन है, इसको ओ कहा, नाइट्रोजन है एन, सल्फर है एस, पोटेशियम पोटेशियम को के कहा, क्योंकि फॉस्फोरस है, इसको पी नाम दिया जा चुका था फॉस्फोरस को, तो ये पोटेशियम भी पी से शुरू होता है, तो इसका पी नाम न रख करके के रखा। के क्यों? क्योंकि इसका एक दूसरा नाम है लैटिन भाषा में कैलियम। तो अगर सिंबल एक ही लेटर से अगर कोई दो एलिमेंट के नाम शुरू हो रहे हैं तो दूसरी भाषा का जो लेटर है उसे चुन करके लिखा जा सकता है। इस टेबल से आप समझ ही गए होंगे, एल्युमिनियम AL, आर्गन AR, बेरियम BA, बोरोन BB, ब्रोमीन BR। तो इनमें क्या करते हैं कि पहला लेटर बड़ा, अगर दो लेटर का नेम है तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा स्मॉल। तो ये उन्होंने IUPAC ने रिकमेंडेशन किया। बात क्लियर हो रही? जैसे कॉपर SCU, इसमें पहला लेटर सी कैपिटल है, दूसरा स्मॉल। फ्लोरीन F, गोल्ड AU, अब गोल्ड का जी नहीं रखा, AU रखा। ऑरम, इसका सही नाम है दूसरी भाषा का लैटिन ऑरम। तो इस तरह दूसरी भाषाओं के नाम के फर्स्ट लेटर और या उससे फर्स्ट और थर्ड लेटर, इस तरह नाम लेटर लेकर के उनके नाम रख दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो किस स्टार्टिंग में किसी भी एटम के मास को फाइंड करना बड़ा कठिन था, तो इसलिए रिलेटिव मास लिया गया। ये एक्सपेरिमेंटेड है, पहले हाइड्रोजन को सबसे छोटा एलिमेंट मानते थे, आज भी है। सबसे पहले हाइड्रोजन से रिलेट किया गया कि कोई भी दूसरा एटम हाइड्रोजन से कितना टाइम्स हैवियर है। फिर ऑक्सीजन लिया गया कि ऑक्सीजन 16 का 1/16 से कितने टाइम्स हैवियर है। तो इस तरह कंपेयर करके एटॉमिक मास निकाले गए। लेकिन सबसे बाद में और सबसे एग्जैक्ट थ्योरी जो बनी वो कार्बन के साथ बनी।
तो उनके साथ कार्बन से कोरिलेट करके एक डेफिनेशन दी गई कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो वही डेफिनेशन ये है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन है। ये जो एटॉमिक मास है, वन एटॉमिक मास क्या होगा कि कार्बन 12 का 1/12 से कोई दूसरा एलिमेंट कितना हैवियर, इससे कंटिन्यू, इससे हम उसका मास, रिलेटिव मास निकाल लेते हैं। क्लियर हो रही बात? एग्जांपल ले लो, जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, तो क्या है कि ये 1/12 से कितना हैवियर, कार्बन 12 के 1/12 से कितना हैवियर है, तो ये तो 1 हो गया, तो ये 6 ऑक्सीजन एज 16 टाइम्स हैवियर देन कार्बन 1/12। तो कार्बन 12 का 1/12 तो 1 होता है, तो उसे कितना हैवियर हुआ, 16 टाइम्स। इस तरह इसकी सारी की सारे हम एटम के मास, रिलेटिव मास निकाल लेते हैं। हाउ डू एटम एग्जिस्ट एटम कैसे एग्जिस्ट करते, कैसे रहते? तो एटम्स एग्जिस्ट इन नेचर इन कंबाइंड फॉर्म, कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में। अब ओनली गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये अपने नेटिव स्टेट में रहते हैं, ये रिएक्ट किसी कंपाउंड फॉर्म में नहीं मिलते। अब गोल्ड है तो वो गोल्ड के फॉर्म में ही मिलेगा, प्योर गोल्ड, प्योर फॉर्म में ये अर्थकर्ष से निकलते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये जानते हैं। अ मॉलिक्यूल इज एन Z
जनरल एको ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टूगेदर केमिकली बॉन्डेड टूगेदर एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं मॉलिक्यूल उनको कहते हैं जब जनरली दो या दो से अधिक एटम केमिकली बॉन्डेड हो जाएं केमिकली आपस में कंबाइन हो जाएं तो बनेगा मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं कौन कौन से नंबर वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एक होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एग्जांपल जैसे O2 ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं ये एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं दे आर फॉर्म बाय द सेम टाइप ऑफ एटम N2 O3 तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और सेकेंड टाइप का होता है आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डेफिनेशन की ये लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर फॉर्म बाय द सेम काइंड ऑफ एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इन सर्टेन प्रोपोर्शन ये होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एग्जांपल क्या है जैसे CO2 डिफरेंट तरह के एटम हैं केमिकली कंबाइन होने सर्टेन प्रोपोर्शन में एक निश्चित अनुपात में NH3 ये भी कंपाउंड कंपाउंड डिफरेंट तरह के एलिमेंट ऑफ एटम से मिलकर के बने होते H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है तो ये भी डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर के बना होता है जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के डिफरेंट एलिमेंट हो सकते बात क्लियर हो गई होगी बच्चों एटॉमिसिटी एलिमेंट किस रूप में मिलते हैं उसमें एटम की संख्या कितनी होती है किसी एलिमेंट में एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल में एटम की संख्या को कहते हैं एटोमिसिटी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड के
एलिमेंट या कंपाउंड। किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एटम की संख्या कितनी है इसको कहते हैं एटोमिसिटी। एग्जाम्पल, अब ये कई तरह के होते हैं, मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक, पॉली एटोमिक। अब जैसे मोनो एटोमिक की बात करें, मोनो एटोमिक जैसे आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन, तो ये हैं मोनो एटोमिक। ये दो या दो से अधिक, दो एक से अधिक एटम कंबाइन नहीं, दो एटम या इससे ये कंबाइन नहीं होते, ये सिंगल एटम के रूप में ही रहते हैं, इसमें एटम कंबाइन फॉर्म में नहीं मिलते। जिस एलिमेंट के एटम कंबाइन फॉर्म में नहीं मिलते वो होते हैं मोनो एटॉमिक, जैसे आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन, नियोन, जीनोन, तो इस तरह के। अब डाई एटॉमिक क्या होते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर के मिले, जैसे O2, H2, N2, इसमें दो एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये हो गया डाई एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक कर लो, ट्राई एटॉमिक जैसे O3, इसमें तीन एटम कंबाइन हो रहे हैं, ट्राई एटॉमिक हो गया। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक का एग्जांपल जैसे फास्फोरस है, P4, आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब पॉली एटॉमिक आ जाइए, अब चार से ज्यादा पॉली कह देते, तो पॉली माने मैनी, पॉली एटॉमिक जैसे सल्फर, ये पॉली एटॉमिक बहुत सारे होते हैं। तो ये एटम की संख्या के आधार पर मॉलिक्यूल को नाम दिया जाता है कि कोई मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है। जितने एटम की संख्या होगी वो उसको ही एटॉमिक कहते हैं। चार तक बोल लेते हैं, इससे ज़्यादा पॉली बोल देते हैं, क्योंकि नाम तो 100 तक और इससे ज़्यादा के आगे तक भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरली करते नहीं हैं। हम चार के बाद उनको पॉली एटॉमिक बोल देते हैं, नहीं तो पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, ये सारे बोले जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आयन। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर चार्ज स्पीसीज। आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पीसीज को हम आयन कहते हैं। अगर उस पर चार्ज आ गया है, प्लस या माइनस का कोई चार्ज है, तो वो उसे हम आयन कहेंगे। और ये चार्ज कैसे आते हैं? या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो उस पर चार्ज आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन 2, इस पर दो चार्ज माइनस के होते हैं, क्लोरीन 1 माइनस, हाइड्रोजन 1 प्लस, ये 1 लूज करता है। प्लस का चार्ज जब आता है, जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा तो एक प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक माइनस आएगा। जैसे क्लोरीन एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसमें Cl नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें 2 नेगेटिव आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 पॉजिटिव आएगा। कैल्शियम है 2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इस पर 2 प्लस आए। और ये इलेक्ट्रॉन का देना या लेना इसके ऑर्बिट्स के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर डिपेंड
करता है। अगर बाहर तीन तक हैं तो दे देगा इलेक्ट्रॉन, और तीन से ज़्यादा हैं, चार हैं तो शेयर न देगा न लेगा, शेयर करेगा, और चार से ज़्यादा हैं, पाँच छः सात, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर बच्चों, ये आयंस के एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, और ये सारे के सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। बिना याद किए ये केमिस्ट्री का चैप्टर पूरा नहीं आप समझ सकते, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स के नाम, आयंस के नाम याद करने पड़ेंगे। कौन सा पॉलीएटमिक होता है, मोनोटमिक होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। क्लियर, जैसे फॉर्मूले दे रखे हैं वो फॉर्मूले आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, बिना लर्न किए ये समझ में नहीं आएगा। तो मैग्नीशियम Mg होता है, इस पर दो चार्ज होता है, ये सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। कार्बोनेट CO3 को कहते हैं, इसमें दो माइनस चार्ज होता है। सल्फेट है, सल्फाइट है, SO3 कहते हैं, दो माइनस चार्ज होता है इसमें। सल्फेट है, SO4 कहते हैं, टू माइनस चार्ज। तो ये सारी की सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। हाउ कैन बी राइट केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो फॉर्मूला लिखने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और नेगेटिव वाले राइट साइड, या कहें मेटल लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे या नॉन मेटल राइट साइड। तो इन ऑल पॉजिटिव वाले लेफ्ट साइड में लिखते हैं। अब इनका चार्ज कितना है, कैल्शियम पर दो चार्ज होता है, क्लोरीन पर वन चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आया CaCl2। हाइड्रोजन पर वन चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर टू नेगेटिव, नीचे लिखिए तो हाइड्रोजन का वन के साथ मल्टीप्लाई करिए ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का टू के साथ, ऑक्सीजन का वन के साथ, तो बना H2O। ऐसे ये एल्युमिनियम ऑक्साइड कर लें तो एल्युमिनियम पर कितने होते हैं 3, ऑक्सीजन पर कितने होते हैं 1, ऑक्सीजन पर 2 होते हैं चार्ज, 2 नेगेटिव, तो एल्युमिनियम पर 3, ऑक्सीजन पर 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या फॉर्मूला बना, Al2O3। और एग्जांपल लीजिए CaO, जैसे कैल्शियम है, इस पर कितना चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, तो इसके चार्ज नीचे लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Ca2O2, सिंपल कर दीजिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए CaO, तो इसका फॉर्मूला बनेगा C, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। बात क्लियर हो रही होगी? अब इस चैप्टर में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है वो है मोल कंसेप्ट। उससे पहले पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। किसी मॉलिक्यूल के एटम्स में जितने भी एटम होते हैं उनका जो टोटल सम आता है मास का, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस of all the atom in
इतने मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जैसे H2O ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता, ऑक्सीजन का 16 होता, और दो H हैं तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आया 2 + 16 = 18। अब जैसे CO2 इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन कितना है, ऐसे करते हैं +2 × O, इसका 12, तो ये हो गया 12 + 32 = 40 यूनिट। CO2 C + 2 × O, 2 O हैं तो 2 O मल्टीप्लाई में लिखें। जैसे NO2 अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, N + 2 × O, तो N का 14, 2 × ऑक्सीजन का 16, 14 + 32 और ये हो गया 46 यूनिट। तो इस तरह इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल। मॉलिक्यूलर मास को ही फार्मूला मास कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक ही चीज़ है। तो हमने ये सीख किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है उसका मास निकाला। जब फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही बात, तो इस तरह कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोल कंसेप्ट सिखाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।